वेरी फर्स्ट थिंग इसमें ध्यान रखना है मिडिल टर्म स्प्लिट करते वक्त कि सबसे पहले जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए वो आपकी अरेंज होनी चाहिए एक पर्टिकुलर मैनर में। मैनर क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ, जैसे कि सबसे पहले डिग्री टू आ गया, फिर डिग्री वन मतलब सॉरी पावर टू, पावर वन, और फिर आपका कॉन्स्टेंट हो गया। कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, आपको पावर ना उल्टी पुल्टी देते, तो बच्चे क्या करते हैं उसको अरेंज ही नहीं करते और फिर चलते हैं। मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सी बेटा? मिडिल टर्म है यहाँ पे हमारी एक्स वाली, तो हमें इसे स्प्लिट करना, इसके दो टुकड़े बनाने, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो कि अगर उन्होंने इस तरीके से दे दिया और आपने इसको अरेंज नहीं किया तो गड़बड़ी क्या करोगे, आप इस सिक्स स्क्वायर को तोड़ने लग जाओगे जो कि गलत हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम मिडिल टर्म में इनका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स डू इट, कि अब कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट में, देखिए जरा। तो भाई सबसे पहले क्या करो, इस एक्स स्क्वायर और इस फाइव वाली टर्म को, इनको करो आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर और फाइव वाली टर्म है इनको आपस में आपने किया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी वैल्यू आ गई, तो सिक्स इंटू फाइव थर्टी और एक्स स्क्वायर एक्स बन गई ना। थिंक ऑफ इट वेरी केयरफुली, ये आपका बिल्कुल पजल है कि अब इस थर्टी स्क्वायर के दो ऐसे टुकड़े बनाओ, और मैं भी आपको ट्रिक बताऊंगा इसको बनाने के, दो ऐसे टुकड़े बनाओ जिससे कि जब उनको ऐड हम करें तो ऐड करने पे तो मिल जाए बेटा हमें 70x, लेकिन जब उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाए 30x square का हम टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा बन गया हमारा 15x और दूसरा टुकड़ा बन गया हमारा 2x। तो 15x और 2x को अगर हम जोड़ दें तो 17x हो गया, और दूसरे साइड हम 15x और 2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 30x square बन गया, ठीक है। अब ये तो आसान था तो आपने कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई बार रूट वाली चीजें आती है, अब उस वाले केस में मिडिल टर्म स्प्लिट करना दिक्कत करता है। तो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं जरा उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फाइंड आउट करने वाले। क्या करना है यहां पे, आप सब कुछ भूल जाओ, एक्स स्क्वायर भूल जाओ, सिर्फ ध्यान रखो 30। और आपको ध्यान रखना कि आपको 30 के दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिस नंबर को कंबाइन करने पे 17 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे 30 बन जाए। कंबाइन करना तो सिर्फ ऐड करना नहीं है, सब्ट्रैक्ट वगैरह भी हो सकता है क्योंकि कई बार प्लस माइनस का भी चक्कर आता है। क्या करो इसके लिए, इसके लिए ना आपको पता नहीं चल रहा नंबर क्या है, आप 30 का फैक्टर बनाओ, और बिल्कुल छोटे छोटे फैक्टर, 2 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1, ये बन गए भाई 30 के फैक्टर। नाउ इन्हीं सब फैक्टर में से वो दो नंबर की कॉम्बिनेशन बनेगी जो कंबाइन होके 17 देने वाली। अब सोचो जरा, जैसे मान लो हमने 2 को अकेला छोड़ दिया तो एक तरफ 2 हो गया, अब बाकी क्या है 3 × 5 यानी 1, ये हो गया 15। क्या 15 और 2 की कॉम्बिनेशन से 30 आएगा? मल्टीप्लाई करके 30 तो आएगा, ऐड करके 17 आएगा। अच्छा और कॉम्बिनेशन क्या बन सकती थी, 2 और 3 को एक साथ रख लेते और 5 को अकेला छोड़ देते तो 2 और 3 से 6 बन जाता और 5 आपका अकेला रहता। तो देखो जरा 6 और 5 से 30 और 6 प्लस 5 से 11, हो सकता था यहाँ पे 11x भी हो सकता था। बस ऐसे आपको यहाँ सोचना, फैक्टर बनाओ, टुकड़ा कर दो, टुकड़े करने के बाद आप वो दो नंबर ढूंढो, क्लियर है। चलिए भाई हमारे पास वो दो फैक्टर बन चुके हैं, तो एक हमारा ये 6x square है इसको एज इट इज, प्लस जो 17x है हमारा उसमें हमारा हो गया 15x और प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा फैक्टर बन गया। इसके हमने दो टुकड़े कर दिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ये हमारा दो पार्ट आ गया। बट बात यहां तक नहीं रुकेगी, अब यहां से निकालना है बेटा कॉमन, और कॉमन निकालते वक्त ध्यान रखिएगा, जैसे बच्चे क्या करते हैं गड़बड़ी किया तो इसी दोनों में कॉमन निकाल रहे, नहीं भाई, जहां से मैक्सिमम चीजें कॉमन निकल सकती है वहां से निकाल। तो हमने 6x square और 2x, हमने इन दोनों को पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बनाया, पहले वाले 6x square और 2x में से हमने कॉमन ले लिया 2x, ले लिया 2x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, देखो 6x square प्लस 2x, कॉमन लेते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जितना कॉमन निकल सकता है उतना कॉमन निकालना है। 2x हमने निकाल लिया, इसके पास बचा 3x और इसके पास बचा 1, और 15x और 5 की बात करते हैं, यहां से हमने 5 निकाल लिया तो यहां से ही बचा 3x, यहां से बचा 1। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कॉमन निकालेंगे बेटा तो कॉमन निकालते वक्त जो ब्रैकेट के अंदर आएगा ना वो दोनों में सेम आएगा, क्यों, क्योंकि फिर हम इस दोनों टर्म से फिर इसे और इसे भी कॉमन ले लेंगे,
यानी इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे, 3x प्लस 1, तो ब्रैकेट में यहां से बचेगा 2x और प्लस यहां से बचेगा 5 इक्वल टू 0। लीजिए हो गया हमारा, ये हमारा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिससे कि हमने क्या किया, दो फैक्टर बना लिए। बस यहाँ पे आपको बस ख्याल क्या रखना होता है, ये देखो अरेंज करना, पहली पॉइंट, पहला पॉइंट आपको है कि अरेंज करो। दूसरा पॉइंट है मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया, अब उसको टर्म में स्प्लिट करो। तो मैं बार बार कहता हूँ इस एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, सिर्फ नंबर पे फोकस करो, उस नंबर का फैक्टर बनाओ, आपको अपने आप वो दो नंबर की कॉम्बिनेशन दिखने लग जाएगी कि किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके ना हम वहां पे 30 ला सकते हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम वहां पे 17 ला सकते हैं।